नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम में। और मैं रतिराम आपके लिए लेकर आया हूँ आज बेसिक कंप्यूटर की एक शानदार ट्रिक, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। कभी कभार ऐसा क्या होता है कि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है, तो या तो हमें हमारे दोस्त से हेल्प लेनी होती है या हमारे दोस्त लोगों को हेल्प देनी होती है। तो उसके लिए हमें कभी कभी किसी प्रॉब्लम का वीडियो या तो यूट्यूब पे देखना होता है या किसी दोस्त से मंगाना होता है या उनसे फोन पे बात करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम के लिए कंप्यूटर में क्या है, एक स्टेप्स रिकॉर्डर नाम से एक पहले से ही प्री इंस्टॉल विंडो के साथ एक एप्लीकेशन आती है, जिसके माध्यम से आप अगर कोई ऐसी नया काम कर रहे हैं या कोई नई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है और आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पूरी आपके स्टेप बाय स्टेप जिस जिस जगह आप क्लिक करते जाए वो रिकॉर्ड होती चली जाए दोस्तों, तो इसके लिए आपको चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर को चालू करने के बाद आपको आपके स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे दबाना है आपको विंडो के साथ आर की। आप जैसे ही दबाएंगे, आप विंडो के साथ जैसे ही विंडो के साथ आर की दबाएंगे, आपके सामने ये रन वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे लिखना है पी एस आर दोस्तों, खाली क्या लिखेंगे आप लोग, केवल पी एस आर लिखेंगे और एंटर पर सामने इस तरीके का एक प्रॉब्लम स्टेप्स रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये प्रॉब्लम स्टेप्स रिकॉर्डर क्या काम आता है ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप को रिकॉर्ड कर लेता है। चलिए देखते हैं कैसे। स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट रिकॉर्डर को और ये पूछ रहा है देर आर विंडोज ऑन डेस्कटॉप दैट आर रनिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जैसे कि माई कंप्यूटर खोल रहे हैं, माई कंप्यूटर के बाद मान लो हमने इसको क्लोज कर दिया। माई कंप्यूटर खोलने के बाद हमने मान लो अपना ये एक इमेज खोली, इमेज खोलने के बाद हमें मान लो दूसरा कोई दूसरा फोल्डर खोला, एक और फोल्डर खोलने के बाद हम वापस से माई कंप्यूटर में चले गए और माई कंप्यूटर में जाने के बाद मैं पिक्चर्स में चला गया, वीडियोज में चला गया, म्यूजिक्स में चला गया, सिंपल म्यूजिक में चला गया, इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर खोली दोस्तों। तो अब देखना ये क्या करेगा, पीएसआर इसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेगा और आप जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कनेक्ट करेंगे दोस्तों, क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा फाइल को कहाँ सेव करना है दोस्तों। तो आप मान लीजिए मैं फाइल को इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ पीएसआर दोस्तों। पीएसआर नाम देने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद आपकी फाइल देखो एक जिप फॉर्मेट में यहाँ पे आ गई है दोस्तों। आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको यूँ ओपन करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल आपने जो जो स्टेप्स किए थे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं और रिकॉर्ड होने के साथ साथ ही आपको बता भी दिया है किस तरीके से कौन सी जगह के। देखिए यूजर लेफ्ट क्लिक ऑन क्लोक सारी, मतलब इन्होंने पहले से ही कमेंट करके हमें बता दिया है कि कौन कौन सी जगह पे हमने क्लिक किया है, कौन कौन सी जगह पे क्या किया है, सारा सब कुछ देखिए इन्होंने पहले से ही प्रीलोडेड करके तैयार कर दिया है दोस्तों हमारे लिए। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और ये फाइल हमारे लिए इसने जनरेट कर दी। तो ये तो काम था पीएसआर का दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें दोस्तों। गुड बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक और वीडियो।